नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिशु मलिक। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर बरसा है। एक 13 साल के मासूम बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया। आपको बता दें कि यह मामला जम्मू जिले के झाझा से सामने आया है, जहां पर एक 13 साल के बच्चे को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि गुस्साई भीड़ ने जमकर जाम लगाया और कहा है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा और साथ ही दिन में ट्रकों पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक वह सड़क को नहीं खोलेंगे। तो देखिए हमारी यह पूरी खबर। फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने ली 13 साल के मासूम की जान, गुस्साई भीड़ ने लगाया जाम, क्या होगा गुस्से का अंजाम। एक बार फिर तेज रफ्तार के कारण एक 13 साल की मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर रोष जताया। मामला जमुई जिले के झांझा से सावरिया का है, जहां पर ओवरटेकिंग करने के चक्कर में ट्रक ने श्रेष्ठ 13 वर्ष को टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। मौत की खबर सुनने के बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया। झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण, समाज सेवी गौरव सिंह राठौर ने समझा बुझाकर जाम मुक्त कराया और 5 लाख मुआवजे और बैरिकेटिंग लगाने के साथ दिन में ट्रक परिचालन पर रोक की मांग की है। जाइए जाइए जाइए।